भाई साहब ये देखो, कुछ तो लफड़ा हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही गंदा लफड़ा हुआ होगा। देखो अंदर ही बैठा है, बेटी है, बेटा नहीं बेटी है। तो गाइस मेरी गाड़ी में एक फॉल्ट हो चुका है, देखो डिक्की बंद ही नहीं हो रहा है। कितना भी ट्राई करो डिक्की बंद ही नहीं हो रहा है। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर मैंने गाड़ी एसी चलाया है जैसे डिक्की ओपन करके, और सब लोग बोल रहे हैं भाई भाई डिक्की खुला डिक्की खुला डिक्की बंद करो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। देखो गाइस सुबह के बजे है 7:40 एंड सुरेश भैया गाड़ी धो रहे अभी, हो गया। गैस आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो बादल कितने छाए हुए हैं। एंड आज वापस मैं जा रहा हूँ फ्रॉम द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बिकॉज ट्रैफिक बहुत कम दिखा रहा था। इट वाज शोइंग ओनली 35 मिनट्स टू रीच टू द होटल ताज सांता क्रूज, नेक्स्ट टू द डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो अभी बजे सुबह के 8, मेरे क्लाइंट का पिकअप है 9:30 का टाइम है, और वहाँ जल्दी जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा एंड गाड़ी पार्किंग में लगा के आराम करूँगा, क्योंकि अगर लेट निकलूँगा ना तो ये पूरा जो पूरा जो रूट है ना ये पूरा जाम हो जाता है। सो गाइस अभी बजे सुबह के 8:10 एंड मैं ऑलमोस्ट अंदर ही पहुंच चुका हूं। यहां से हार्डली 2 किलोमीटर रहेगा शायद होटल, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना आज ट्रैफिक नहीं झेलने का। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सामने जो आप दिख रहे हो दैट इज द ATC टावर। सो गाइस सामने जो है ना दैट इज द ताज होटल, लेफ्ट में इज द डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और हमारा जो पार्किंग है ना वो ठीक पीछे की तरफ है, पीछे। तो वहाँ पे जाना है, चेकिंग करना है और उनको फिर टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद हम लोग को वापस आना पड़ेगा टू द डोमेस्टिक एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे, एंड वहाँ पे जो उसका पार्किंग है वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। सो गाइस वी हैव रीच द ताज होटल, यहाँ पे उनसे बात करके टोकन ले लूँगा फॉर द पार्किंग एंड फिर जाएंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पार्किंग में, क्योंकि इनका जो पार्किंग है ना यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कार्स को अलाउड है, टूरिस्ट कार्स को अलाउड नहीं है। सो गाइस देखो ये है टैग, ताज से मिलता है कूपन। गाड़ी पार्क करने के लिए ना हमको सामने वाले बिल्डिंग में जाना पड़ता है, क्योंकि इनका खुद का पार्किंग में तो अलाउड नहीं है। तो देखो ये टैग काम आता है हमको, वहाँ जाके बोलना चाहिए कि गाड़ी का पार्किंग चाहिए अगर आपकी टूरिस्ट गाड़ी है तो, और वो लगा आपको ऐसे टैग इशू करते हैं। और देखो ये रहा एयरपोर्ट पार्किंग लेफ्ट साइड पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता है क्योंकि उन लोग ने बहुत ही अलग ही तरीके से बनवाया है ये। यहाँ पे जाने का, आगे चेकिंग करने का, चेकिंग करने के बाद गाड़ी पार्क कर देने का। तो गाड़ी जैसे पार्किंग कर लेते हो ना, मतलब जैसे चेकिंग करता था ना, उसके बाद आने का, ये टैग यहाँ पे दे देने का। टैग देने के बाद वो बोलेगा कि आप जाओ P5 P6 जो भी रहेगा। देखो कहता अभी उन्होंने मुझे बोला है कि आपको जाना है ऊपर P4 हाँ चौथे माला, मतलब वो फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, तो 4th फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करना है। तो गाइस पहुँच चुके P5 पे, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है। ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये आप सामने देख सकते हो ATC टावर, दैट इज़ द ताज, ये सामने जो है ना वो ताज है एंड ये पूरा एयरपोर्ट है। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। सो गाइस अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट किया है, आपने देखा कि नहीं, बहुत लोग तो फॉलो करते भी नहीं है। अरे फॉलो कर लो भैया, कभी कभी हम कुछ कुछ पोस्ट भी कर लेते इसके ऊपर। एंड गाइस बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप गोवा गए हो क्या, तो गोवा में नहीं गया हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे ऋषि ने मुझे एक्चुअली पोस्ट किया था कि वो जा रहा है गोवा मेरी इनोवा लेके, तो मैंने सिर्फ रीपोस्ट किया था तो लोगों को लगा कि मैं जा रहा हूँ गोवा, पर मैं गोवा नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। तो मैं मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पार्किंग में मस्त सोने वाला हूँ कम से कम आधा पौना घंटा। ये तकिया मैं घर से लेके आया था बहुत पहले ही, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया था, आज फाइनली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गले में जो पेन है ना वो जब मैं गाड़ी में सोता ना तो बढ़ जाता है। तो फिलहाल इसका यूज़ करूँगा, सो जाऊँगा एंड अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट आधे घंटे के बाद क्लाइंट का फ़ोन आएगा, फिर उनको पिकअप कर लूँगा। गाइस 10:30 हो गया और मैं सो गया था, जस्ट उठा हूँ अभी। क्लाइंट ने फ़ोन किया अभी एंड ही टोल्ड मी कि आप अभी आ जाओ कार्ट लेके, तो मैं बोला ठीक है सर आता हूँ 5 मिनट में। फिलहाल तो है ना देखो वहाँ पे ना वॉशरूम है, ड्राइवर वॉशरूम यहाँ पे गेट पे, तो जाता हूँ वॉशरूम कर लेता हूँ अंदर जाके, एंड उसके बाद है ना फटाफट निकलता हूँ उनको पिकअप करता हूँ, क्योंकि आज की जर्नी भी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और बहुत टायरिंग होने वाली है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे, P5 पे थे अभी जाएंगे एकदम नीचे एंड उसके बाद क्लाइंट को पिकअप करेंगे।
इतने सारे टर्न्स है ना, इतने सारे टर्न्स। सुबह के बजे है गाइस, ये देखो, अरे बंद हो गई क्या? 11:15 क्लाइंट जा रहा है ये बिल्डिंग में, सिसिलिया बिल्डिंग में। अभी हम लोग है पांड्रा काट रोड के आसपास एंड अभी मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। कुछ मिल रहा है कि नहीं एंड हल्का फुल्का कुछ खा पी के आज का गुजारा करूँगा। कल बजे है 11:35 एंड चाइना जो हो गया, यहाँ पे पीछे ना एक छोटा सा मार्केट है तो वहाँ पे जाके ना मैंने अभी समोसा पाओ एंड एक कटलेट खाया प्लस एक गर्मा गर्म चाय पी। चाय बहुत ही बढ़िया थी। फिलहाल तो गाड़ी के पास आ चुका हूँ, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए एंड जैसे 11:30 हो चुका है, विकास भाई का व्लॉग भी आउट हो गया है, वो देख के फिर देखते क्लाइंट क्या बोलते हैं। कैसे भी हम लोग आ चुके हैं कफ परेड। कफ परेड में यहाँ पे एक जगह है विच इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा सा पेन चलो हो गया ना तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अभी आए हैं क्लाइंट गए यहाँ पे मीटिंग के लिए एंड ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, दिस इज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हमने तो गाड़ी बाहर पार्क कर दी क्योंकि अंदर पार्किंग पूरा फुल था, तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा टाइम के लिए जैसे क्लाइंट का कॉल आएगा, फिर वहाँ से वापस यूटर्न लेके क्लाइंट को पिकअप करेंगे। सो कैसे भाई, बजे दोपहर के 2, क्लाइंट का फोन आ चुका है, ही टोल्ड के आप आ जाओ कार लेके एंड अभी निकलते हैं यहाँ से। जो भी प्लान जैसा है मेरे हिसाब से आई नॉट श्योर, लेकिन यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस पेडल रोड होके वापस हमको दरमन पॉइंट आना है एंड उसके बाद वापस दादर जाना है, फिर एयरपोर्ट ड्रॉप है। अभी ऐसा मुझे लग रहा है बिकॉज जो वो बात कर रहे थे, अभी एक्चुअल में क्या प्लान है क्या आइटिनरी है वो तो उनको ही पता। गाइस अभी बजे शाम के 5:20 एंड अभी मैं आ चुका हूँ वापस कफ परेड। मतलब हम लोग पहले कफ परेड थे, वहाँ से हम लोग गए थे वर्ली से वापस कफ परेड आए हैं एंड भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो अभी है ना मैं वहाँ पे जाके एक कप चाय पिया हूँ एंड वहाँ पे जाके मैंने एक सैंडविच भी खाया हूँ। मेरा फिलहाल तो पेट भर गया है बट है ना थोड़ा सा हेडेक हो रहा है मेरे को बिकॉज नींद पूरी नहीं होती है। रात को घर पे लेट पहुँचता हूँ, फिर सोते सोते रात को 1 बज जाते हैं, सुबह को वापस जल्दी उठो एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुंबई का जो ट्रैफिक है ना उसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। देखो गाइस आज भी ऐसा ही था, क्लाइंट का पिकअप था 9:30 एंड सिर्फ 16 किलोमीटर का दूरी था बट मुझे घर से निकलना पड़ा 7:30 बजे ताकि मैं ट्रैफिक वाला जो एरिया है ना वो ट्रैफिक शुरू हो उसके पहले मैं पहुंच जाऊँ। गाइस बुकिंग खत्म हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन मेरा ना गाड़ी का जो लॉक है ना वो ख़राब हो गया, ये बंद ही नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं टू द मैकेनिक, एक मैकेनिक है बाजू में ही है, तो हमारे सब्सक्राइबर है यश भाई करके, तो उन्होंने कहा कि रौनक भाई बाजू में मैकेनिक है आप फटाफट वहाँ पे जाओ। इसका मैंने यहाँ पे जो लीवर आते नीचे मैंने पैरों के पास वो सब मैंने चेक कर लिया, जो भी करना था XYZ सब चेक कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी फटाफट वहाँ पे जाता हूँ क्योंकि कल सुबह को मुझे निकलना है पुणे। कैसे ये देखो गाड़ी है ना, मैंने फिलहाल तो बूट जैसे मतलब बूट तो बंद हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे देखो ये लाइट आ रहा है एंड मैंने ये हजर लाइट चालू करके रखा है, लेकिन है ना सब लोग पीछे से बोल रहे हैं भाई डिक्की खुला है, लेकिन अब मालूम है डिक्की खुला है तो क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, सबको मैं ऐसा थमदा करके दिखा रहा हूँ और कोई ऑप्शन ही नहीं भाई मेरे पास। फटाफट पहले जाता हूँ मैकेनिक के पास बिकॉज कल सुबह को मेरे को निकलना है पुणे। अभी देखो ये भी बोलेगा, हाँ देखो सब मतलब सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई डिक्की खुला है क्या करूँ, लेकिन रस्सी भी नहीं है कि रस्सी से उसको बांधूँ। मैं सोचा था कि मेरा जो चार्जिंग केबल है ना वो साला 5.5 फुट का है, कुछ 5.5 फुट हाँ 5.5 फुट का है उससे बांधूँ, लेकिन साला वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जगह नहीं है उसको बांधने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा केबल है ना वो उसको रुका के नहीं रखेगा। तो गाड़ी जैसे स्लो जाएगी ना तो वो पी 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 बजना बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे गाड़ी है अरे डिक्की छोड़ो भाई ज़िंदगी मेरी खुल गई है पूरी। एक बंदा बाइक पे गया बोल रहा भाई डिक्की खुली है, लेकिन हाँ दोस्त सब पता है। सो कैसे भी हम लोग आ चुके हैं मैकेनिक के पास एंड वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि क्या इशू है, चेक कर रहे हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पाला ईस्ट में है, जगह का नाम है रिलायबल मोटर्स, ऑल थैंक्स टू यश, थैंक्स यश भाई, काम हुआ ना हो वो दैट इज सेकेंडरी। सो गाइस देखो गाड़ी का काम हो चुका है, पता प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम वॉज ये लॉक, एक मिनट देखो, हाँ ये लॉक है ना नीचे चला गया था तो ये प्रॉपर लॉक नहीं हो रहा था, अभी भाई ने कर दिया है, ये देखो लॉक हो गया। सो गाइस अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो एंड कुछ भी आपके घर में इशू आता है यू कैन कम हियर टू रिलायबल मोटर्स। ये संडे को हाफ डे होता है, बाकी ऑल डेज वॉकिंग होता है एंड ये जो शॉप है हार्डवेयर की शॉप यहाँ पे ग्रीन में, सो ये हमारे सब्सक्राइबर है तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। अभी जाते हैं बोरीवली। गाइस हम सोच रहे थे कि हम चले जाएं फ्रॉम SCV रोड बिकॉज ये हाईवे ना तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है यार, कंटाला आता है यार। कल सुबह को ना मुझे वापस 5 बजे उठना है एंड जाना है टू
पुणे। गाइस ये देखो राइट साइड में पूरा हाईवे जाम है, अभी आपको दिखाता हूँ। इसलिए हम जा रहे हैं लेफ्ट से जाएंगे आगे तक जाएंगे और ऐसा लगेगा तो डाइवर्जन लेके हम लोग चले जाएंगे फ्रॉम SV रोड। थोड़ा जल्दी पहुँचूंगा एंड जल्दी अगर नहीं भी पहुँचूंगा ना तो इतना टायरिंग नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ना गाड़ी हिलने का नाम ही नहीं लेगा। देखो थोड़ा सा अभी और आगे जाऊँगा ना आपको दिखाता हूँ, फुल ट्रैफिक जाम। हाँ आ जाओ चाचा, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुसा रहे गाड़ी। ये देखो दिख रहा है, ये है मुंबई का हाल। देखो ऊपर भी ट्रैफिक, आगे भी ट्रैफिक, पीछे भी ट्रैफिक, हर जगह पे ट्रैफिक, मतलब साला कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा यार। कंटाल आ रहा है मेरे को घर जाने का भी। भाई साहब ये देखो कुछ तो लफड़ा हुआ है यहाँ पे और बहुत ही गंदा लफड़ा हुआ होगा। देखो अंदर ही बैठा है, बैठी है, बैठा नहीं बैठी है। गाइस अभी मैं आया हूँ जोगेश्वरी में, गाड़ी रुका के रखा हूँ। ये देखो आगे ना एक पुलिस वाले खड़े हैं, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं फ्रेम में, यहाँ पे पुलिस वाले हैं। उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, आगे एक औरत है जो गाड़ी में बैठी है, बहुत रोई जा रही है एंड बहुत लोग उसके घेर के बैठे हैं। तो मैंने इनको इन्फॉर्म तो किया है एंड ही टोल्ड मी कि मैं किसी को भेजता हूँ टीम को। तो गाइस आज का दिन ख़त्म हो चुका है एंड आपकी जर्नी भी हो चुकी है। वंस अगेन थैंक यू यश भाई फॉर दी हेल्प। कल सुबह का प्लान ऐसा है कि कल सुबह को मुझे उठना है अराउंड 5 o'clock एंड 5:45 आई हैव टू लीव, 6 बजे क्लाइंट को पिकअप करना है एंड आई हैव टू गो टू पुणे। तो चलो गाइस आज के व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले व्लॉग्स में। टिल नेक्स्ट टाइम। तो गाइस मेरी गाड़ी में एक फॉल्ट आ चुका है, देखो डिक्की बंद ही नहीं हो रहा है। कितना भी ट्राई करो डिक्की बंद ही नहीं हो रहा है। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर मैंने गाड़ी AC चलाया है जैसे डिक्की ओपन करके, एंड सब लोग बोल रहे हैं भाई भाई डिक्की खुला डिक्की बंद करो।